भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में खेले गए तीसरे T20 मैच में रोहित शर्मा ने 8 शतक लगाकर फैंस का भरपूर मनोरंजन किया और ताबड़तोड़ 65 होगा। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के भी लगाए और चौके भी, तीनों छक्के लाजवाब थे, लेकिन जिस अंदाज में वो आउट हुए उसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। रोहित को पवेलियन भेजने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस छोड़ी जिम्मेदार थे। इस छोड़ी ने रोहित शर्मा का ऐसा कैच पकड़ा जो अक्सर आप किसी फील्डर को पकड़ते हुए नहीं देखते हैं। छोड़ी ने एक हाथ से कैच पकड़ा और रोहित की 8 शतक की पारी का अंत कर दिया, लेकिन कैच पकड़ते समय ऐसा लगा कि मानो इस छोड़ी हाथों में फेविक्विक लगा कर आए हैं और गेंद रोहित शर्मा के बल्ले से निकलते ही मानो उनकी हथेली में चिपक गई हो। ये घटना भारतीय पारी के 12वें ओवर में घटी, जब रोहित शर्मा ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई और वो गेंद को सीधा मार बैठे। गेंद काफी तेजी से जा रही थी, लेकिन रोहित शर्मा के शॉट के रास्ते में छोड़ी का हाथ आ गया और यकीन मानिए उनके हाथों में कैच ऐसे चिपका जैसे मानो उन्होंने अपने हाथों में फेविक्विक लगा रखा हो। वहीं अगर मैच की बात करें तो रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 8वीं पारी खेली और 31 गेंदों में 56 रन ठोके। इस दौरान 5 चौके और 3 छक्के भी लगाए और टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का अहम योगदान रहा, लेकिन जिस तरह छोड़ी ने ये कैच पकड़ा उसने रोहित की पारी का अंत कर दिया, जिसके बाद छोड़ी के इस कैच पर जमकर चर्चा भी हो रही है।